साल से एहतसाबी निज़ाम और करप्शन के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बेनामी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाने के बावजूद मुल्क में ना ही करप्शन ख़त्म हुई और ना ही एहतसाबी निज़ाम में कोई ख़ास तब्दीली रोनमा हुई है। आए रोज़ नए नए स्कैंडल, जायद असासाजात केस अवाम के सामने होते हैं। सियासतदान तो अपनी जगह, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर भी कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं। आजकल एक मामूली ASI खबरों की जीनत बना हुआ है, जिसने करोड़ों की जायदादें बनाई और बेनामी करोड़ों के असासाजात रखे हुए हैं, जो एहतसाबी इदारों के अलावा FBR और FIA की नजरों से ओझल है। 35,000 तनख्वाह वसूल करने वाला एक ASI किस तरह से अरबपति बन गया, अदारों पर सवालिया निशान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस का मुलाजिम ASI सैफुल्ला कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती करके और महकमा के इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल करके अरबपति बन गया। ASI सैफुल्ला वल्द मोहम्मद खान PIA हाउसिंग सोसाइटी का रिहायशी है। ASI सैफुल्ला पर मुख्तलिफ थानों के अंदर FIR भी दर्ज है, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों है? FBR के अफसरान भी पैसों की चमक की वजह से कार्रवाई से गुरेजा हैं। खबरों की जीनत बनने वाले ASI सैफुल्ला के हमसाये और कोलीग्स भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाअसर शख्सियात के खिलाफ कानून कब हरकत में आ जाए कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि गरीबों और मजबूर आवाम से धोखे करने वाले कब तक कानून के शिकंजे से बच सकते हैं।